हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रतन टाटा जी ने एक कंपनी में स्टेक खरीदे हैं और ये कंपनी दोस्तों किस सेक्टर को बिलोंग करती है? ये दोस्तों बिलोंग करती है एंटरटेनमेंट सेक्टर को। जी हाँ दोस्तों, OTT प्लेटफॉर्म्स पे ये शोज लॉन्च करती है, या फिर आप कह सकते हैं फिल्म प्रोड्यूस भी इसने, काफ़ी अच्छी खासी फिल्में भी इसने प्रोड्यूस की है इस कंपनी ने। तो इसमें दोस्तों रतन टाटा जी ने स्टेक खरीदे हैं। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों, रतन टाटा जी ने खरीदे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे रिटेल निवेशक दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उनको क्या करना है, कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या हम इसमें रिस्क ले सकते हैं। टेक्निकल चार्ट पे आपको समझाऊंगा, जहाँ पर मुझे एक अच्छी चीज़ दिख रही है दोस्तों, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो देखिए दोस्तों, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, कंपनी कौन सी है? कंपनी का नाम है दोस्तों प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन। ये नाम आपने शायद सुना होगा, इसने कई फिल्म्स भी प्रोड्यूस की है। और ये जो इसने एक ये अभी रिसेंटली शो लॉन्च किया है प्राइम वीडियो पे, काफ़ी कैटेगरीज में ये जो शो है इनका नॉमिनेट हुआ है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। अगर इसके कुछ फिल्म्स मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर देखिए मस्ती ज्यादे, हजारों ख्वाहिशें, झनकार बीट्स, कांटे, चमेली, फैट्सो, ये कुछ जो मूवीज हैं इन्होंने प्रोड्यूस की है। अगर दोस्तों न्यूज़ पे हम चलें, तो रतन टाटा जी ने यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, आज ही की न्यूज़ है ये। रतन टाटा एक्वायर्स स्टेक इन प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन, द स्टेक वॉज एक्वायर्ड लास्ट वीक इन रतन टाटाज पर्सनल कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने खुद यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे यहाँ पर स्टेक खरीदे हैं। ऐसा नहीं है कि टाटा सन्स या टाटा ग्रुप ने यहाँ पर स्टेक खरीदे हैं। तो यहाँ पर कोई नॉन कोर एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रही है टाटा ग्रुप, ये दोस्तों पर्सनल मतलब इंडिविजुअल लेवल पे रतन टाटा जी ने यहाँ पर स्टेक खरीदे हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में यहाँ पर और क्या हमको देखने को मिल रहा है, कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जैसे मैंने आपको बताया, टीवी कंटेंट और OTT प्लेटफॉर्म्स और फिल्म प्रोडक्शन लाइन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने पर्सनल कैपेसिटी पे दोस्तों यहाँ पर एक्वायर किए हैं स्टेक इस कंपनी में, इस बिजनेस में। और टाटा को हम जानते हैं दोस्तों, जो स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजीज कंपनी में इन्वेस्ट करती है। टाटा ग्रुप की हम बात करें, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे बात करें तो रतन टाटा जी ने दोस्तों एंटरटेनमेंट पे दाव खेला है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं और हमको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों, ये न्यूज़ इतनी सी है, इसका मैंने आपको समराइज करके बता दिया। अब चलते हैं फंडामेंटल्स पे, जहाँ पर आएगी मेन यहाँ पर हमको समझ की एक्चुअली करना क्या है। देखिए मार्केट कैप आप देखेंगे 31 करोड़ का है ओनली, तो बहुत ही छोटी कंपनी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब एक इनिशियल लेवल पे ये कंपनी है, हालांकि बहुत पुरानी है, लेकिन मार्केट कैप इसका बहुत कम है। मतलब कई बड़े नाम हैं इस लाइन में, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बड़े बड़े बैनर हैं दोस्तों, उनका अच्छा खासा नाम है, इसका नाम इतना नहीं है, इसलिए यहाँ पर मार्केट कैप आपको कम दिख रहा है। करंट प्राइस आप देखिए 21.4 का है अभी, आज इसमें 10% का अपर सर्किट लगा है, तो 23.50 के आसपास से चल रहा है। बुक वैल्यू आप देखेंगे तो यहाँ से डबल है। तो ये एक रीज़न है दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ी सी यहाँ पर रिस्क लेने लायक कंपनी बन रही है। और टाटा जी ने, रतन टाटा जी ने इसमें स्टेक खरीदे हैं, तो क्या हम भी यहाँ पर स्टेक खरीदे? ये हम कंक्लूजन पर आएंगे टेक्निकल चार्ट पे, इस पर बात करेंगे। ROC देखिए 2 का है, रिटर्न इक्विटी 1.62, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव, मतलब कंपनी दोस्तों प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए यहाँ पर 50 की है, प्लेजिंग 0 है, डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी पे। सबसे अच्छी बात है डेट फ्री कंपनी है। अगर इसके हम प्रॉफिट लॉस पे चलें तो देखिए, अब टॉप लाइन देखिए कंपनी की, सेल्स आप देखेंगे 15, 13, 6 करोड़, 2, 40, तो यहाँ पर टॉप लाइन अनस्टेबल नजर आएगी आपको। बॉटम लाइन देखिए, सारे नंबर आपको नेगेटिव में दिखेंगे। तो मतलब कंपनी दोस्तों यहाँ पर जो है नेगेटिव, मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर रही है, नेगेटिव यहाँ पर जनरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट के नंबर आप देख सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एज यूजुअल यहाँ पर हमको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। अगर इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ दिख रही है कि प्रमोटर्स ने यहाँ पर दोस्तों हिस्सेदारी बढ़ाई है, 49.90 से बढ़ाकर 50 कर ली है, और DIIs ने यहाँ पर कम करी है, और पब्लिक के पास 48.33 के पास है, और रतन टाटा जी का दोस्तों नाम इसमें ज़रूर जुड़ने वाला है। तो प्रमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, तो हो सकता है दोस्तों कुछ इनके ऐसे प्रोजेक्ट हो आने वाले समय में, जो कि अच्छे खासे यहाँ से बड़े लेवल पे रन करते हुए दिख सकते हैं। और जो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शोज़ हैं, कंटेंट हैं, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। और रतन टाटा जी ने दोस्तों इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ज़रूर वो ऐसे ब्रिलियंट माइंडेड इंसान हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। हमारे पास जितनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके पास होगी। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एक रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल्स पे हम जाएं, बिजनेस मॉडल पे जाएं, सेक्टर पे जाएं, किस सेक्टर को बिलोंग करती है दोस्तों, मेरी तरफ से ये बिल्कुल अवॉइड है कंपनी। अगर आप रतन टाटा जी के
अनुसार जाना चाहते हैं तो आप जरूर जा सकते हैं। अभी टेक्निकल चार्ट पे भी आपको समझाऊंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें अच्छा लग रहा है इस कंपनी में, और वो क्या है वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट पे समझाता हूँ। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स आप देखेंगे दोस्तों, तो फंडामेंटल्स के तौर पर ये अवॉइड है। जी हाँ दोस्तों, अवॉइड है। लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रा बैट इसमें लेना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए ऑल टाइम हाईस का आप देखेंगे, जब ये लिस्ट हुई थी तो करीब करीब 188 के आसपास। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखिए 188 के आसपास से गिरती हुई कंपनी लगातार यहाँ पे गिरती हुई अब देखिए 23 के आसपास चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो करीब करीब, एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए, देखिए यहाँ पर ये कंपनी गिरती हुई नजर आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2013 के बाद आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पर फंसी हुई है। 2013 से ये कंपनी ना तो गिर रही है ना बढ़ रही है, तो एक कंसोलिडेशन जोन में है। मतलब यहाँ से इसकी अब डाउन साइड दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम है। अब इसका जो रिस्क पार्ट है वो बहुत कम है, रिवॉर्ड वाला पार्ट बहुत ज्यादा है। और रतन टाटा जी ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो यही सोच के किया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पे किया है। वैसा नहीं है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने पोजिशनल ट्रेड लिए हो या फिर कुछ इसमें वो शॉर्ट टर्म गेन लेके निकल जाए। वो दोस्तों उनका डिसीजन है, उन्होंने किस आधार पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में, इसमें स्टेक लिए हैं, वो उनका खुद के लेवल पे वो जानते हैं। लेकिन एज ए रिटेल निवेशक हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास अगर रिस्क लेना है तो हमको ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि 2013 से ये कंपनी कंसोलिडेशन जोन में है। और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, इतने निचले स्तरों पर इस पर वॉल्यूम आ रहा है। मतलब बड़े दोस्तों कोई ना कोई HNIs वगैरह है, रतन टाटा जैसे लोग जिसने जो यहाँ पर निचले स्तरों पर इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हों इसके लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्तों रिस्क लेना चाहते हैं तो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है 500-1000 रुपये तक की दोस्तों यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों लमसम करने वाली कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं आपने 1,50,000 30,000 20,000 रुपये इसमें लगा दिए। जी नहीं दोस्तों, इसमें फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, इसका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा नहीं है। अगर आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आता है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बिजनेस मॉडल मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिशन है और ये जो सेक्टर है दोस्तों काफ़ी ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डिसरप्टिव है। और अगर आपको रिस्क लेना है तो आप बहुत ही मिनिमल अमाउंट से यहाँ पे ले सकते हैं। हो सकता है दोस्तों ये आने वाले समय में हमको अपनी बुक वैल्यू तक जाता हुआ दिखाई दे, अभी 23 है, हो सकता है ये 55 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये इसके बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड है ये फंडामेंटल बेसिस पे। तो रतन टाटा जी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, एक ये रीज़न हो सकता है आप इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। लेकिन हाँ दोस्तों ये एक तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने का, चाहे रतन टाटा हो, चाहे विजय केड़िया हो या राकेश झुंझुनवाला हो। कभी भी दोस्तों ऐसे लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी भी शेयर में तो ऐसे आंख बंद करके इन्वेस्ट मत कीजिए, फंडामेंटल्स देखिए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल्स यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड है, तो आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग 500-1000 जितने रुपये लगा सकते हैं इतने ही लगाइए, कि ताकि आपको वहाँ पर अगर लॉस भी हो तो आपको वहाँ पर ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस हिसाब से ये जो कंपनीज होती है इनको टैकल करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका डिसीजन, आपको क्या करना है। मुझे लगता है कि 55 तक ये जरूर जा सकती है, क्योंकि इसकी अब डाउन साइड रिस्क मुझे लिमिटेड लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ही कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है दोस्तों मुझे लगता है कि नीचे नहीं आएगा। अगर ये आ जाएगा नीचे तो करीब करीब मेरे ख्याल से ये आ सकता है दोस्तों, आपको बता रहा हूँ लास्ट 14 तक आ सकता है ये, उसके नीचे शायद ये नहीं आएगा। तो आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, देखिए आज स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, लेकिन ये अब रिस्क वाली कंपनी तो है ही दोस्तों। बाकी देखिए रिस्क तो है ही इसमें, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं सबसे पहली बात, और काफ़ी टाइम से गिर रही है कंपनी, बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं है। तो कंपनी 14 तक ज़रूर आ सकती है, लेकिन अगर आपको यहीं खरीदना है तो आप थोड़े बहुत रुपए इसमें लगा सकते हैं। बाकी डिसीजन आपका होगा दोस्तों, आपकी रिसर्च एक बार आप खुद कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर इंसाइट देने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आप यहाँ पर उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।